सीधी जिले में पोस्टर बार की राजनीति हुई शुरू। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सहित अन्य लोगों ने मोदी हटाओ देश बचाओ के चिपकाए सभी जगह पोस्टर। सीधी शहर में आज शुक्रवार की सुबह सभी सार्वजनिक स्थान व घरों में पोस्टर चिपके हुए मिले, जिसमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। गौरतलब है कि यह पोस्टर बार की राजनीति शुरू हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब राजनीति में सक्रियता लोगों की बढ़ रही है। वहीं अपने खुद फेसबुक के सोशल मीडिया अकाउंट में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी ने फोटो शेयर की है। वह उन्होंने खुद चिपकाते हुए लिखा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। जैसे ही पूरे शहर में यह खबर देखी, आग की तरफ फैलती चली गई। कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसे छोटी मानसिकता का सोच रहा है और पोस्टर वार की राजनीति करने से मना किया है, तो सीधी पुलिस की माने तो उन्हें अभी इस बात की जानकारी नहीं है और ना ही किसी प्रकार की किसी ने FIR दर्ज कराई है। बहरहाल यह तो खुद सही साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रामचरण सोनी खुद अपने साथियों के साथ जाकर पोस्टर चिपका रहे हैं और खुद सोशल मीडिया में इसका प्रचार भी कर रहे हैं। पूरे मामले को देखते हुए सीधी के एडिशनल SP अंजुलता पटले ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक किसी ने आवेदन नहीं दिया है। फिलहाल इस तथ्य के सामने आने के बाद हम इसकी जाँच करेंगे और जो वैधानिक होगा वह कार्रवाई करेंगे। ग्राम घोगरा में शुक्रवार को दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद। बीच बचाव करने आए वाले लोगों के साथ भी हुई मारपीट। चार लोग हुए घायल, दो की हालत गंभीर। सीधी जिले में लगातार मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत ग्राम घोगरा का सामने आया है, जहां ग्राम घोगरा में पिपरोहर के करीब 10 से 15 लोग आए और मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आए दो लोगों के साथ भी मारपीट हुई है। उस मारपीट की घटना में कुल मिलाकर चार लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला चिकित्सालय सीधी ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर घायलों में रोहित सिंह और शुभम सिंह हैं, जिनकी हालत गंभीर है, जिन्हें जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती करा दिया है। इसके अलावा सत्यभान और सुखदेव को नॉर्मल चोटें आई हैं। वहीं पूरे मामले को देखते हुए थाना प्रभारी कमरजी SI भूपेश बैस ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो पक्षों में विवाद हो रहा था, जहां दो लोग बचाव करने के लिए गए तो उनके ऊपर भी मारपीट की है। इस पूरे घटनाक्रम में चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में भिजवा दिया गया है। साथ ही झगड़ा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इनके कारणों की जाँच की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? शुभम। कहाँ के रहने वाले हैं? घोगरा। ये कैसी घटना हुई? ये घटना हुई, हम लोग बैठे थे वहाँ पे, दंगा हो रहा था, हम लोग के लिए बचाने के चक्कर में मार दिए 15 लोग। तो पहले से ही दंगा हो रहा था? पहले से ही हो रहा था। हम लोग को शांत कराने गए तो आपके ऊपर मतलब हमला कर दिया। कितने लोग थे? वो थे 10-15 आदमी थे। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग, कुछ पता है? पिपरोहर के रहने वाले हैं। कितने लोगों को चोट लगी है आपके तरफ से? हमारे तरफ से लगी है 4 आदमी लगी है। तो मतलब दो लोग गंभीर घायल हैं। हाँ। तो रिपोर्ट आपने कर दी? कर दी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घोगरा। क्या नाम है? शुभम। जो एक घायल हुए हैं इनका क्या नाम है? रोहित। ग्राम पड़री में दो मोटरसाइकिल की हुई आपस में जोरदार भिड़ंत, दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम पड़री में दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में भिजवा दिया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पड़री से सीधी की तरफ जा रहा बाइक से एक व्यक्ति की भिड़ंत दूसरी बाइक चालक से हो गई, जिसकी वजह से दोनों में जबरदस्त टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को पैर और सिर तथा हाथ में चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय सीधी ले गए हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। पूरे मामले को लेकर आज शुक्रवार के दिन थाना प्रभारी बहरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो बाइकों की भिड़ंत हो जाने की वजह से दोनों लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से आजाद कुमार सिंह पिता राज सिंह उम्र 24 वर्ष और सत्यदेव सिंह उम्र 35 वर्ष को चोट लगी है। अमिला स्थित चरकी घाटी में हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी है कार को ठोकर, लगा लंबा जाम, एक व्यक्ति हुआ घायल। सीधी जिले के NH 39 मुख्य मार्ग, जो कि रीवा सीधी सतना शहडोल और सिंगरौली को जोड़ता है, वह काफी व्यस्ततम मार्ग है और यहां वाहनों की आवाजाही लगातार और निरंतर चलती रहती है। इसी के तहत एक बार रफ्तार का कहर फिर से दिखाई दिया है, जहां तेज रफ्तार एक ट्रक ने कार को जोरदार ठोकर मार दी है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया है। तो वहीं सड़क पर एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है।
दरअसल ये पूरा मामला अमिलेह स्थित चरकी घाटी का है, जहां शुक्रवार की सुबह एक हादसा हो गया है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे लोगों के द्वारा उपचार के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उस अज्ञात व्यक्ति का उपचार चल रहा है। तो वहीं हादसा होने के बाद दोनों तरफ जाम लगा हुआ है, क्योंकि हादसा बीच सड़क पर हुआ, इसलिए दोनों गाड़ियां बीच सड़क पर ही खड़ी हैं, इसीलिए गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकल पा रही हैं। इसकी वजह से लगभग 150 गाड़ियां पहाड़ के दोनों छोर पर खड़ी हुई हैं। वहीं पूरे मामले को देखते हुए चौकी पिपराव की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है, साथ ही जाम खुलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को घर से निमंत्रण खाने जा रहा व्यक्ति हुआ दुर्घटना का शिकार, मवेशी को बचाने के चक्कर में ग्राम पड़री में बाइक से गिरा, हुआ घायल। आवारा मवेशियों से लोग परेशान है। आवारा मवेशियों के बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से सिर पर गंभीर रूप से चोट आई है, जहां इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती करा दिया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं घायल रामराज सिंह ग्राम तेंदुआ ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं आज शुक्रवार के दिन अपने घर से निमंत्रण खाने के लिए जा रहा था, तभी ग्राम पड़री के पास पहुंचा तो दो मवेशी आपस में लड़ रहे थे, उन्हें बचाने के चक्कर में मैं अपनी बाइक किनारे किया, जिससे अनियंत्रित होकर मैं सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से मेरे सिर पर गंभीर रूप से चोट आई है, जिसे इलाज के लिए लोगों के द्वारा मुझे जिला चिकित्सालय सीधी में 108 एम्बुलेंस की मदद से भिजवा दिया है, जहां मेरा इलाज चल रहा है। ये कहां के रहने वाले हैं? ये कहां हादसा हुआ है? यहां पड़री में। कैसे निमंत्रण में जा रहे? कैसे हुआ? ये निमंत्रण में जा रहे थे, मवेशी तालाब में पानी पीने गए थे, वहां से लौटे तो आपस में भिड़ गए, तो हम काटने लगे बचाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में वापस में लड़ गए, बचाने के चक्कर में लगे, गाड़ी नीचे था इसलिए कम लगे, फुसला धर गया है। तो यहाँ पर इलाज हो रहा है, सुविधा मिल रही है?